नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए नया चीज़ सीखने के लिए ले आया हूँ। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये बहुत सारा पुराना आईसी है जो फाइबर आईसी बोलते हैं। इससे पहले मैंने आरएफ आईसी का वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आज मैं ए आई सी हम देखे ये चेंज करते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है। इसको हम आज रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे रिपेयर होता है कि नहीं, क्योंकि ये देखिए मार्केट में हमको ये ख़रीदना मिलता है 300 से 350 रुपये में, ये ख़रीदने को मिलता है। कभी कभी मार्केट में मिलता भी नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो आई सी जितना सारा आई सी है मेरे पास, कोई कोई लोग आईसी बोलते हैं, किसी कोई कोई लोग बी यू, ये देखिए इसमें नंबर भी दिया हुआ है, इसमें नंबर है, देखिए KF8876BO, ठीक है। ये नंबर होता है, ये कंजियन का है, ओरिजिनल आईसी है। तो ये आपका जो हम ये जो अभी ख़राब होके पड़ा हुआ है, हमने चेक करके ख़राब निकला इसलिए फेंक दिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा अंदर में छोटा छोटा कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट अगर हम चेक करते हैं तो कोई कोई कंपोनेंट ख़राब होने से ये प्रॉब्लम आता है, कोई कोई आईसी भी अंदर में जल जाता है। तो जो आईसी जल जाता है वो रिपेयर तो नहीं होगा, अगर नहीं जला है छोटा, अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले ये वाला आईसी हमने पहले रिपेयर करके रख दिया है, ये अभी ओके है। तो इस तरह से हम इतने सारे मेरे पास आईसी है, तो हम एक एक करके देखेंगे खोल करके रिपेयर होता है कि नहीं। तो चैनल पे आप बने रहिए, ठीक है दोस्तों, और देखेंगे आज क्या होता है। तो मैं आपको एक एक करके खोल के दिखाऊँगा और कैसा खोलना है और कैसे चेक करना है और कैसे इसमें सप्लाई देना है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो इसके लिए दोस्तों पहले आपको ये देखिए, हमारे पास ये 5 वोल्ट का हमने ये तो 6 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट देने से भी चलता है। तो हम सिर्फ चेक करेंगे 5 वोल्ट दे करके इसमें चेक करेंगे। तो पहले हम मल्टीमीटर से इस पॉइंट पे चेक करते हैं कि कितना वोल्ट में इस एडेप्टर से मिल रहा है, तभी हम आईसी में सप्लाई दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 5 वोल्ट हमें कनेक्शन करना है कैसे और कनेक्शन करके हमको चेक कैसे करना है, तो पहले हम इसमें 5 वोल्ट का कनेक्शन देंगे। देने के बाद हम इसमें चेक करेंगे ये यहाँ से गेन निकलता है या नहीं निकलता है। तो हमारा जो वोल्टेज का कनेक्शन है ये पहले वाला है, बीच वाला, और यहाँ पे जो 2 कनेक्शन है, और हम कैमरे को जूम करके भी दिखाएंगे। पहले हम कनेक्शन करके दिखाते हैं ये चलता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें जो फाइबर्स का पिन मिलता है, ये फाइबर पिन हमें इस तरह से आपको एक सॉकेट लेना है, तो सॉकेट में हम इसको लगा देंगे और यहाँ पे हम फाइबर सिग्नल जो है उसको इन कर देंगे। ये हमारा फाइबर सिग्नल का पेस कोड है, इसको हम यहाँ पे इन कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है वो हम पहले चेक करेंगे, क्योंकि आईसी अगर ख़राब होगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप दिखाएगा। तो हम पहले इसमें चेक करते हैं, देखिए ये 5 वोल्ट हमें दिखा रहा है, मतलब ये आईसी शॉर्ट नहीं है, तो आईसी थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है। अभी हम चेक करेंगे इसमें गेन निकलता है कि नहीं, अगर नहीं निकलता है तो फिर से हम इसको आईसी को खोलेंगे, खोल करके देखेंगे इसमें गेन क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो पहले हम इस मीटर को ऑन करते हैं, ये देखिए दोस्तों इसमें से गेन तो निकल रहा है, ये अभी देखिए यहाँ पे गेन निकल रहा है लेकिन फिर से चला गया है, क्योंकि ये आईसी में थोड़ा गड़बड़ है। फिर से इसको चेक करते हैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, इसमें 45 हमें गेन दिखाई दे रहा है, मतलब ए आईसी हमारा ओके है। देखिए
ये हमारा आईसी ओके है, मतलब ये वाला है आउटपुट, ये आउटपुट है ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम टच करते हैं, ये देखिए 71 हमें दिखा रहा है, मतलब ये आईसी हमारा ठीक है, इसको रिपेयर कर। ये भी है, ये भी है, बहुत सारा आईसी है मेरे पास ख़राब आईसी, तो इसको चेक करते हैं। इस तरह से डिटेल में वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा दोस्तों, ठीक है, डिटेल में हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, दो पैसे का आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, इसीलिए हम इस तरह का वीडियो बनाते हैं आपके लिए एक तरह से। ये बढ़िया से काम कर रहा है, ये करीब 50 के आसपास इसमें गेन निकल रहा है, मतलब ये आईसी हमारा चलने के काबिल है, ये ओके है, इसको भी रख देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों ये पुराना आईसी है, हमने इसको खोल दिया हो ख़राब, हमें पता चला ये ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं है, ठीक है, ये चार आईसी हमारा निकल गया। इस तरह से आप भी चेक कर सकते हो, अगर छोटा मोटा इसमें प्रॉब्लम है तो आप रिपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब हो जाता है स्पार्क होने के कारण, तो इसको भी चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नया आईसी लगा देते हैं और पुराने को फेंक देते हैं, लेकिन ये पुराना आईसी कभी कभी क्या होता है, सही रहता है और हम इसको फेंक देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम दूसरे जगह में होता है, आईसी हमारा कभी ख़राब होता भी नहीं है, हम ऐसे ही खोल देते हैं। तो अभी इसको भी चेक करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें भी गेन हमें बराबर मिल रहा है, अभी आया फिर चला गया। ये आईसी हमारा हीट नहीं हो रहा, मतलब इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो इसको खोलते हैं, इसका जो कनेक्शन है इसको खोल लेते हैं। ये आया फिर से चला गया, तो इसमें कोई छोटा मोटा दिक्कत हो सकता है, तो खोलते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कचरा है, इससे कैमरे में नहीं आएगा दोस्तों, देखिए हम मैग्नीफाई ग्लास से दिखाते हैं, ये वाला देखिए इधर थोड़ा सा इधर कचरा है, तो यहाँ साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ लाइन वगैरह डिस्कनेक्ट हुआ कि नहीं। इसको तो हमने अभी थोड़ा सा साफ़ कर दिया है, अभी इसमें देखते हैं सप्लाई देकर के ये काम करता है कि नहीं। ये हमने सप्लाई दे दिया,
सर्किट से सप्लाई इसमें कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे गेन चेक करते हैं, ये देखिए दोस्तों ये ओके हो चुका है, ठीक है ये ओके हो गया, अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए फिर से आ गया, ठीक है ये ओके हो चुका है। तो अभी अभी इसको पैक करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने चेक कर लिया था, अभी इसको फाइनल चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये आईसी हमारा ओके हो चुका है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप खुद भी कर सकते हो। ये देखिए 350 रुपये का मुनाफा हो गया ना, तो इसको भी साइड कर देते हैं। ये भी रिपेयर हो गया, ये हमारा 5 आईसी हमारा ओके निकल गया। तो ये भी है, इसको इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए कितना सारा कचरा लगा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसको भी साफ कर लेते हैं, इसको पहले हमको खोलना होगा और देखना होगा इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। वैसे तो यहाँ पे भी कचरा है, देखिए इधर यहाँ पे थोड़ा सा कचरा है, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे जो पानी जाता है, ये देखिए इधर पानी अंदर में पानी जाता है बारिश के कारण। यहाँ पे हम आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा कचरा जमा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको साफ़ करते हैं। साफ करने के बाद वोल्टेज देंगे इसमें। साफ कैसे करना है, इसको थोड़ा ऊपर उठाना है, उसके बाद ब्रश लेना है, तभी हमें अच्छे से दिखाई देगा साफ करने में। कुछ लाइन वगैरह जल गया है शायद, इसको हम थोड़ा नज़दीक से देखते हैं मैग्नीफाई ग्लास लगा करके। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ जला हुआ है, अभी इसमें हम लाइन दे के देखते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट कोड हमने लगा दिया, ये आईसी को आपको समझना होगा। अभी जो नया नोड निकला है उसमें तो 5 वोल्ट का ही आईसी रहता है, ज़्यादातर 6 वोल्ट का आईसी रहता है, पुराना जो है उसमें 24 वोल्ट का रहता है, ठीक है। तो इस मीटर को हम हटा देते हैं, इससे हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम इसमें गेन चेक करते हैं काम करता है कि नहीं। ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। अभी इसमें जो है वोल्टेज हम चेक करेंगे, इसमें जो वोल्टेज आना चाहिए वो काम कर रहा है कि नहीं। ये वाला हो गया ग्राउंड में, ये हमने ग्राउंड पकड़ लिया है। ये देखिए वोल्टेज आ रहा है, ये लेज़र में देखते हैं,
लेज़र में वोल्टेज नहीं आया, इसके कारण ये काम नहीं कर रहा है। ये 5 वोल्ट है लेकिन लेज़र तक नहीं जा रहा है। देखो जो लेज़र में जो वोल्टेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है वो हमको फाइंड करना होगा। इससे लेज़र में वोल्टेज आता है 5 वोल्ट, थोड़ा यहाँ पे चेक करते हैं। हटा दिया, यहाँ पे टच करके रख देते हैं और यहाँ पे हम वोल्टेज चिमटे से देंगे। ये देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है, छोड़ दिया, फिर से इसमें देंगे, ये देखिए काम कर रहा है। यहाँ पे हमने एक वायर लगा दिया है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज का लाइन है, ये वायर, ये जो छोटा सा जम्पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये लेज़र में कनेक्शन होगा, ठीक है, ये लेज़र में कनेक्शन होगा, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है। तो अभी हमने तो लेज़र का कनेक्शन बना दिया, अभी इसमें चेक करते हैं 5 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं। तो एक में ग्राउंड पकड़ लिया और दूसरे में ये देखिए 5 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है। अभी इसका जो लेज़र है इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। लेज़र में देखिए 3 कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे हम इसमें बढ़िया करके बिठा देंगे। बिठा देने के बाद यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे, इसके बाद देखेंगे ये सिग्नल बराबर निकल रहा है कि नहीं। ये बहुत बारीकी का काम होता है दोस्तों, आँखें आपका बहुत अच्छा होना चाहिए तभी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आँखें जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हो गया, अभी 5 वोल्ट का सप्लाई का कनेक्शन जो है उसको हम इधर जोड़ देंगे। ये लग गया है, इसको तो साइड कर देते हैं। हाँ, अभी इसमें सप्लाई देंगे और देखेंगे काम करता है कि नहीं। ये हमारा सोल्डरिंग भी हो चुका है, तो इसको अभी कनेक्शन सप्लाई देते हैं। इसमें अभी गेन चेक करते हैं, ये देखिए बढ़िया हो चुका है दोस्तों, ठीक है, ये अभी काम करेगा। ठीक है, देखिए अभी हमें बढ़िया से काम कर रहा है ये आईसी, 5860 के बराबर है सिग्नल, ठीक है। ये रिपेयर हो चुका है, तो इसका जो ढक्कन है इसको लगा देते हैं। इसको ढक्कन इस तरह से लगाना है, इधर देखिए इधर कट किया हुआ है, यहाँ से इस तरह से आपको पहले लगाना है, ये इसे बिठा देना है। ये हो गया, ये ढक्कन लगाने के बाद भी आप चेक करेंगे, चेक करना चाहिए।
ये देखिए, ये ओके है ना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फाइबर है ये टूट गया है, ये टूट गया है, लेकिन ये आईसी ठीक है। इस फाइबर आईसी फाइबर तो टूट गया है, तो यहाँ पे हम एक दूसरा लेज़र लगा के देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो मैं क्या करना होगा इसको खोल के देखते हैं लेज़र किस तरह का है, क्योंकि 5 वोल्ट और 24 वोल्ट का जो आईसी है वो थोड़ा दूसरा होता है, दूसरे टाइप का होता है। ये पे कनेक्शन थोड़ा दूसरा है, या फिर लेज़र पावर अगर नहीं जाएंगे तो ये काम भी नहीं करेगा। यहाँ पे जो लेज़र लगा हुआ है तो हम इसमें क्या करते हैं, दूसरा एक 5 वोल्ट का जो लेज़र है उसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है, शायद काम हो जाए, देखते हैं। ये हमने इसको खोल दिया क्योंकि ये टूट गया है फाइबर इसका। अभी जो हमने फेंक दिया है इस गर्म नहीं है, मतलब ये वाला जो लेज़र है इसको हम यहाँ से रिमूव करके उधर लगा के देखेंगे। काम करता है कि नहीं, ये 5 वोल्ट का लेज़र है, 5 वोल्ट जो 6 वोल्ट आईसी है उसका लेज़र है, तो हम 24 वोल्ट का जो आईसी है उसमें लगा के देखेंगे काम करता है कि नहीं। ये 6 वोल्ट का आईसी है और ये 24 वोल्ट का आईसी है, तो ये लेज़र जो है हम इसमें लगा के देखते हैं काम करता है नहीं। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है लेज़र सारा एक ही वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट का ही होता है। यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पे शायद 5 वोल्ट ही आता होगा। तो पहले हम इसमें चेक करते हैं, तो 24 वोल्ट का आईसी के लिए हमको चाहिए होगा 24 वोल्ट, इसके लिए हमको जुगाड़ लगाना होगा 24 वोल्ट का। ये हमने 24 वोल्ट कनेक्शन हमने निकाल लिया है दोस्तों। अभी इसमें 24 वोल्ट निकल रहा है कि नहीं दिखाते हैं। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, देखिए ये 22 वोल्ट निकल रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमने यहाँ पे जो पॉजिटिव कनेक्शन है उसको लगा दिया और नेगेटिव का कनेक्शन भी यहाँ पे लगा दिया। अभी इसमें देखते हैं जो हमने लेज़र लिया है उसमें से कितना वोल्टेज लेज़र पे हमें देना होगा, हम देखते हैं ऐसे निकल कितना रहा है। बहुत वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज है इसमें, 13 वोल्ट निकल रहा है। ये लेज़र में देने से लेज़र साथ साथ ख़राब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसमें 11 वोल्ट है, ठीक है, ये लेज़र इधर काम नहीं करेगा। तो दूसरा आईसी से हम लेज़र निकाल लेते हैं, ये काम नहीं करेगा। लेज़र हमारा काम का नहीं है, दोस्तों हमें एक लेज़र मिल गया है। तो ये लेज़र में कुछ लिखा रहे नहीं रहता है, तो इसको हम इधर अभी लगाएंगे, लगाने के बाद देखेंगे ये
लेज़र लगाने के बाद काम करता है कि नहीं, तो इसको पहले सोल्डरिंग कर देते हैं। ये हो गया, अभी दूसरा कनेक्शन है। ये हो गया, और इधर और एक कनेक्शन है, उसको भी कर लेते हैं। ये हो गया, देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हमने तो लगा लिया है, तो इसको हम चेक करते हैं। ये हमने फाइबर सिग्नल इसमें दे दिया, इसमें वोल्टेज सप्लाई भी दे दिया। अभी इसमें गेन चेक करते हैं, काम करता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, गेन भी बराबर आ रहा है। ये जो फाइबर है, फाइबर हमारा टूट चुका था, इसके कारण ही आईसी हमने बदल दिया था। देखिए ये भी है, इसको भी चेंज करके देखेंगे, ये भी रिपेयर होगा। ठीक है, ये हमारा ओके हो चुका है, तो इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।